One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हमारे सामने हैं शांतनु जी, शांतनु सेन जी, जो होम पुलिस डेक्स दिल्ली के उपराज्यपाल के सेक्रेटेरिएट को संभालते थे। आइए उनसे जानते हैं कि जो कल कोर्ट ने जजमेंट दिया है बाटला हाउस केस का, एनकाउंटर का, उसमें उनकी क्या राय है। बाटला हाउस इंसिडेंट एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट था, जिसमें हमारे एक इंस्पेक्टर की जान चली गई थी। इस केस को शुरू से ही विवादित पाया गया। बहुत लोगों ने कहा, बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, सबने कहा जी एनकाउंटर फॉल्स है। और जितने लोग बाटला हाउस में मरे और इंस्पेक्टर की जो मौत हुई, ये एक एनकाउंटर था जो फॉल्स था। इसके बारे में ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी डिमांड की कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी हो। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसे अच्छी तरह समझा और ये बताया ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि ये एक एनकाउंटर का मामला नहीं था, इसमें गोली चलाई थी एक आदमी ने जिसने हमारे इंस्पेक्टर को मारा है। वो आदमी पुलिस के कस्टडी में नहीं था, कस्टडी से भागा नहीं था, इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता है मजिस्ट्रेट इंक्वायरी का। ये केस कोर्ट में जाएगा और कोर्ट इसके ऊपर वर्डिक्ट देगा। ये मामला हाईकोर्ट में भी लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में भी लिया गया, दोनों जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय को ठीक पाया गया। इसके बाद इस केस की तफ्तीश हुई। तफ्तीश के बाद सारा मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने आया। उन्होंने सब देखकर सैंक्शन दिया प्रोसिक्यूशन का। उन्होंने ये उचित समझा जिस केस में जो पकड़े गए हरिया जैसे जो पकड़ा गया था, इसकी चालान होना चाहिए, ही शुड फेस द कोर्ट। आज उसको सजा मिली है, वो दोषी पाया गया है। अब विवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं जो लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, उनको इस पर विश्वास करना चाहिए। सेशंस कोर्ट ने अपनी राय दे दी, उचित होगा कि ये हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाए। उसके बाद अगर उससे भी खुश न रहे तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। पर ये कहना है जी ये गलत है, ये परवर्स है, ये फॉल्स एनकाउंटर था, अब भी ये सब कहना बिल्कुल शोभा नहीं पाता है। और ये एक जो गर्व का चीज है, जो अच्छी तरह तफ्तीश किया हुआ मामला था, इसको नीचा दिखाना है। मैं समझता हूं लॉ शुड टेक इट्स कोर्स और बाकी लोग और कोई इस पर टिप्पणी न करें।